हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो ये आपके सामने हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो इसमें ज़रूर लगाइए जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में, आपके एग्ज़ाम में, जो भी जिस भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, सब में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसी को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है और आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं। तो बताइए ये कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को ये पता है, मैं पॉलिटी में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, वेपगत का सिद्धांत। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो जो इंग्लिश वाले हैं वो प्लीज़ नोट इट डाउन कर लेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे हिंदी में वेपगत का सिद्धांत कहते हैं, इट्स टू टफ इन हिंदी, बस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप ध्यान रखोगे। ये किसने शुरू किया, मतलब यहाँ जो है ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। आपको पता ही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ था, कौन कौन से दो देश राज्य सम्मिलित किए गए थे, एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो जैसा कि आप सबों को पता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। और किसने स्थापित किया था? तो विलियम जोन्स ने। तो ये जो है कौन उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1784 में बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो बताइए ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया था, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या होता है, इंग्लिश में मैं बताऊं तो रिंग फेंस, रिंग फेंस, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में तो आपको याद रखना चाहिए। रिंग फेंस की नीति किसकी थी? तो कैनिंग, रिपन, लिटन या वॉरेन हेस्टिंग्स, बताइए ये किसकी नीति थी? देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। तो ये भी जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स की ही पॉलिसी थी। किसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैत शासन प्रणाली क्या था, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, पहले जो है दीवानी और निजामत, दो तरीके के राइट्स होते हैं। तो ये दोनों तरीके के राइट्स, दो चीज़ें मीनिंग होती हैं, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन और निजामत मतलब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो जब अंग्रेज़ भारत आए, तो ये हिस्ट्री के एक चैप्टर में आप पढ़े भी होंगे, अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने दीवानी का अधिकार ले लिया, रेवेन्यू कलेक्शन का, और निजामत जो है भारतीय करते थे। तो जनता पे दो तरीके से शासन होता था, लेकिन कोई भी डायरेक्टली शासन नहीं करता था, दोनों लोग टैक्स वसूलते थे और अत्याचार करते थे। तो द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी, और ये इससे रिलेटेड है। दरअसल ये एक तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए बनाया गया था। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल से रिलेटेड एक सवाल तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में पूरा गवर्नर जनरल का ही मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। किसने द्वैध शासन को समाप्त किया? द्वैध शासन क्या था, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स और द्वैध शासन, इन दोनों चीज़ों को समझिए। मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में पहले भी, तो आप ध्यान रखेंगे। किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला? तो महाभियोग किस पे चलाया गया, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स पे ही चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ से इंडिया से जाते हैं तो बेशुमार दौलत लेके जाते हैं, और वहाँ के जो बड़े अमीर घराने के लोग रहते हैं वो इनको नवाब्स, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नवाब्स की उपाधि देते हैं, और इन पे महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगता है, ठीक है। तो ये जो है इन पे महाभियोग लगता है और इन्होंने लास्ट में सुसाइड कर लिया है। वस्तुतः ये उस इम्पीचमेंट से बरी हो जाते हैं, फिर भी इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ये ध्यान रखना है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि शुरू से मैंने सबके आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स क्यों रखे हैं। दोस्तों एक बात जारी रखिए,
कि कार्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स से बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं, तो मेरा ये धर्म है कि आप लोगों का सारा सवाल क्वेश्चंस उससे मैं करा दूं। भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए। इन्होंने ही इंग्लैंड में और भारत में एक साथ परीक्षा शुरू करवाई, इनके ही देन है। और एक तरीके से ये जो है हमारी फेसबुक आईडी है, और आप इस पे जब चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। और ये दूसरा मेरा चैनल है वनडे एग्ज़ाम पॉइंट, अगर बेटर तैयारी करना चाहते हैं और भी ज़्यादा नॉलेज, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट पॉलिटी के चैप्टर्स आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वनडे एग्ज़ाम पॉइंट, ठीक है, और इस पे करंट अफेयर्स पहले आता है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। सहायक संधि किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, सहायक संधि क्या है तो इसको समझ लीजिए, इसकी इंग्लिश होती है सब्सिडियरी अलायंस। ये किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया गया था, ऑप्शन देखिए, वेलिजली, जॉनसोर, कार्नवालिस और ऑकलैंड, तो ये शुरू किया था लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि को शुरू किया। और सहायक संधि में बहुत सारे राजाओं ने संधि की, सबसे पहले मैंने इसका ट्रिक रखा था, है मैं तंज औ पेश बरार सिंधिया, है से होगा हैदराबाद, मैं से मैसूर, तंज से तंजौर, औ से अवध, बरार से बरार और सिंधिया, तो ये मेरा एक ट्रिक है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो आप नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो ला ही दूंगा आप ट्रिक के साथ और पीडीएफ के साथ। तो लॉर्ड वेलिजली ने इसे शुरू किया था। दरअसल अगर सहायक संधि की बात की जाए तो सबसे पहले फ्रेंच गवर्नर लॉर्ड डुप्ले ने इसे शुरू किया था, ठीक है। ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया, ठगों का दमन ये जो कार्नवालिस ने के ऑर्डर पर कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था, तो आपको ये याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में आ चुका है। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो आपको पता है सती एक्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था, तो बेंटिक इज़ द राइट आंसर। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसे ख़त्म किया गया। सिंध विजय किसके द्वारा किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध विजय, तो सिंध विजय जो है ये एलन बोरो के द्वारा किया गया, और एलन बोरो ने ही सिंध विजय की थी। और इसके अलावा अफगान से मैक्सिमम टाइम अंग्रेज हारे ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्यपगत के सिद्धांत के तहत झांसी को कब कब्जा किया गया, तो व्यपगत का जो सिद्धांत है इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो अगर ये मैं ट्रिक आप लोग अभी देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसका ट्रिक है, अगर तारा संभल जाती तो बाघ नागपुर में झांकता भी नहीं। तो तारा से शुरू कीजिए, सतारा सबसे पहले 1849, ठीक है, उसके बाद संभल जाति से जैतपुर और संभलपुर सबसे पहले ये शुरू होता है, एकदम से शुरू से हम लोग देखते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, 1848 में सतारा, 1849 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, इसलिए मैंने कहा अगर तारा संभल जाती तो बाघ आया कब, 1850 में बघाट। नेक्स्ट है, तो उदयपुर में झांकता भी नहीं, उदयपुर कब है, 1852। एक चीज़ और अगर ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए, 1851 साइलेंट है। उसके बाद झांसी है, झांकता से झांसी, 1853। तो तीन ही सवाल इसमें पूछे जाते हैं, सतारा, जैतपुर, संभलपुर एवं झांसी, तो तीनों अलग से भी याद कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ ये ट्रिक याद करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। झांकता भी नहीं से नागपुर 1854 में, तो ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वीडियो अगर बनाता हूँ तो आपको ये ट्रिक दे ही दूंगा। तो यहाँ बात की गई थी झांसी की, तो आप ट्रिक में देखे होंगे झांसी की कब कब्जा किया गया, 1853 में, ठीक है। इसी में जो है सतारा को कब कब्जा किया गया है, तो ये है 1849 में, ठीक है दोस्तों। तो साथ ही साथ ट्रिक भी सीखते हैं तो इससे याद हो जाएगा। व्यपगत सिद्धांत के तहत जैतपुर एवं संभलपुर को कब कब्जा किया गया, तो बताइए, अगर तारा संभल जाती तो ये भी जो है 1849 में ही है, ठीक है, और 1848 में है सतारा, सॉरी 1848 में है सतारा, इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी ये मिस माइंड हो गई है, 1848 आप इसमें कर लेंगे, ठीक है, तो 1848 मैंने यहाँ कर दिया। आप ध्यान रखेंगे एक जो है वो राइट आंसर है, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, और
सतारा को 1848 में, झांसी 1853 में। नेक्स्ट जो है, प्रथम रेलवे लाइन किसके टाइम में बिछाई गई थी, बताइए राइट आंसर। तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, प्रथम रेलवे लाइन किस कंपनी ने बिछाई थी, तो दरअसल क्वेश्चन कुछ और है और ऑप्शन कुछ और है, तो दोनों आप लोग जान लीजिए, आपके काम का है। बम्बई और ठाणे के बीच में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, रेलवे की जो पटरी है, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, इसने ये पटरी बिछाई थी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में आया है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो चार जो है वो राइट आंसर होगा, 16 का 3, 17 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वॉयस राय कौन था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉलिटी में भी कर चुके होंगे, ये जो था लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग 1858 में महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड के सभा में पढ़ा गया, और उसी के तहत जो है वॉयस राय का पोस्ट क्रिएट किया गया। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में आया, अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, और इस पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हिस्ट्री में पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था, तो ये कार्नवालिस का देन था, कार्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। आप लोग और जानते होंगे परमानेंट सेटलमेंट किस ईयर आया, अगर इफ़ यू नो दैट प्लीज़ कमेंट इट डाउन, कमेंट ज़रूर करिए। पहली बार जनगणना किसने कराई, जनगणना मतलब सेंसस, जो कि अभी भी चल रहा है, उसका काम 2021 में उसका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो पहली बार जनगणना जो है वो 1872 में किया गया, और किसके टाइम में, तो राइट आंसर होगा मेयो, चार जो है वो राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।